अभी सब्सक्राइब करें जीके संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। जीके का भंडार इधर है, आपका ध्यान किधर है? क्योंकि जीके संसार ही है जीके का भंडार। टैक्स यानी GST 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो रहा है। गुरुवार को कई वस्तुओं और सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय कर दी गई। आपको बता दें कि GST काउंसिलिंग की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन 1200 से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय की गई। अलग अलग टैक्स श्रेणियां बनाई गई हैं, जो 5 से लेकर 28 फीसदी तक हैं। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि 81% वस्तुएं 18% टैक्स के दायरे में हैं, तो वहीं खाने की बुनियादी चीजें जैसे दूध, नमक और अनाज को 0 टैक्स कैटेगरी में रखा गया है। प्रोसेस्ड फूड्स आइटम पर टैक्स दरें अभी फाइनल नहीं की गई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है GST। एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। भारतीय संविधान के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकारें अभी अपने अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगाती हैं, जबकि GST के तहत वस्तुओं और उत्पादों पर एक प्रकार का समान टैक्स लगाया जाएगा। मोटे तौर पर इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई कंपनी या कारखाना अगर अपने उत्पाद बनाकर एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचता है, तो उसे कई तरह के टैक्स चुकाने होते हैं, जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। GST लागू होने से उन उत्पादों की कीमत में थोड़ी कमी आएगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कैसे काम करेगा GST। GST में 3 अंग होंगे, केंद्रीय GST, राज्य GST, इंटीग्रेटेड GST। केंद्रीय और इंटीग्रेटेड GST केंद्र लागू करेगा, जबकि SGST राज्य लागू करेगा। आपको बताते हैं कि CGST, SGST और IGST है क्या। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है। राज्य के भीतर माल बेचने पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति UP के ही किसी व्यक्ति को माल बेचता है और उस वस्तु पर GST की रेट 18% है, तो 9% CGST और 9% SGST लगेगा। आइए अब जानते हैं कि GST के लागू होने से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा। 0% यानी जिन पर टैक्स नहीं लगेगा, ताजा दूध, अनाज, ताजा फल, नमक, चावल, पापड़, रोटी, जानवरों का चारा, कॉन्डोम, गर्भ निरोधक दवाएं, किताबें, जलावन की लकड़ी, चूड़ियां, गैर कीमती, इन वस्तुओं पर लगेगा 5% टैक्स। चाय, कॉफी, खाने का तेल, ब्रांडेड अनाज, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, ब्रांडेड पनीर, कोयला, 400 रुपए प्रति टन लेवी के साथ केरोसिन, घरेलू उपभोग के लिए LPG, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ज्योमेट्री बॉक्स, कृत्रिम किडनी, हैंडपंप, लोहा, स्टील, लोहे की मिश्र धातुएं, तांबे के बर्तन, झाड़ू, इन वस्तुओं पर 12% टैक्स। हाई फ्रूट्स इमेज, हाई फ्रूट्स, घी, मक्खन, नमकीन, मांस मछली, दूध से बने ड्रिंक्स, फ्रोजन मीट, बायोगैस, मोमबत्ती, एनेस्थेटिक्स, अगरबत्ती, दंतमंजन पाउडर, चश्मे के लेंस, बच्चों की ड्राइंग बुक, कैलेंडर्स, LPG स्टोव, नट बोल्ट, पेंच, ट्रैक्टर साइकिल, LED लाइट, खेल का सामान, आर्ट वर्क, इन पर लगेगा 18% टैक्स। मिनरल वाटर इमेज, रिफाइंड शुगर, कंडेंस्ड मिल्क, प्रिजर्व्ड सब्जियां, बालों का तेल, साबुन, हेलमेट, नोटबुक, जैम, जेली, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड मिक्सेस, मिनरल वाटर, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक, टॉयलेट पेपर, इन पर लगेगा 28% टैक्स। कार मार्केट इमेज, मोटर कार, मोटरसाइकिल, चॉकलेट, कोकोआ बटर, फैट्स, ऑयल, पान मसाला, फ्रिज, परफ्यूम, डिओड्रेंट, मेकअप का सामान, वॉल पुट्टी, दीवार के पेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, लिक्विड सोप, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर, टायर, चमड़े के बैग, मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, माइका, टेम्पर्ड ग्लास, रेजर, डिश वॉशिंग मशीन, मैनिक्योर, पेडिक्योर सेट, पियानो, रिवॉल्वर,